भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल यानी 30 जुलाई को पटना पहुंचकर रोड शो करने वाले हैं। जी हां, बिहार के राजनीति के लिए कल और परसों यानी 30 और 31 जुलाई की जो तिथि है वह बेहद खास होने जा रही है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को बिहार आने वाले हैं और 31 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह पटना पहुंचने वाले हैं। अब इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। जेपी नड्डा कल राजधानी पटना पहुंचकर रोड शो करेंगे और आपको बता दें कि बीजेपी के संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की 2 दिवसीय जो बैठक है वो भी बिहार की राजधानी पटना में होने जा रही है, जो 30 जुलाई और 31 जुलाई दोनों दिन आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्घाटन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ज्ञान भवन में कल दोपहर 4 बजे करेंगे। 2 दिवसीय बैठक की पूरी जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी संजय जायसवाल, उन्होंने बताते ही एक बातें कही हैं कि सारी तैयारियां जो हैं वो लगभग हो चुकी हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी और अलग अलग राज्यों से बीजेपी के करीब 750 कार्य समिति सदस्य इस सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि जेपी नड्डा शनिवार की सुबह 10:30 बजे पटना एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से पटना हाईकोर्ट के पास बाबा साहब अंबेडकर की एक मूर्ति प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए और वहां से जो विशाल रोड शो जिसकी चर्चा लगातार हो रही है जेपी नड्डा के रोड शो की, उसमें सम्मिलित होंगे, जिसमें युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सवार रहेंगे। और इस रोड शो की बात करें तो ये पटना हाई कोर्ट के पास अंबेडकर की प्रतिमा से शुरू होकर संपूर्ण क्रांति के प्रेरणा गांधी मैदान के जेपी की प्रतिमा तक यह जो रोड शो है वो चलेगा। तो रविवार के दिन यानी 31 जुलाई की बात करें तो उस दिन जेपी नड्डा पटना में ही मौजूद रहेंगे और इस दिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16 जिलों के बीजेपी कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे और 7 जिलों के कार्यालय भवन का शिलान्यास भी करेंगे। यानी उसी दिन उद्घाटन भी होना है और उसी दिन शिलान्यास भी होना है। तो जेपी नड्डा 30 जुलाई को पटना प्रवास के दौरान शहर के होटल मौर्या के ग्राम संसद करेंगे और इसमें ग्रामीण इलाकों से आए जनप्रतिनिधि, लोक सेवक, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग, नीति निर्माता समेत दूसरे सेक्टर के लोग भी शामिल रहेंगे। तो ये एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आयोजन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है बिहार में। शायद इसका जो कारण है वो ये है कि बीजेपी अब अपनी पकड़ बिहार में मजबूत करना चाह रही है और सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि यहाँ तक बातें चल रही हैं कि नीतीश कुमार को धमकाने के लिए, नीतीश कुमार के सामने एक चैलेंज खड़ा करने के लिए बीजेपी जो है वो इस तरीके का आयोजन कर रही है। बातें ये भी निकल कर सामने आई कि 243 सीटें बिहार में है विधानसभा की, जिसमें 200 सीटों पर बीजेपी जो है वो खुद अपनी तैयारी कर रही है। तो कई तरह की रणनीति जो है इसमें इसके पीछे काम कर रही है और राजनीतिक दृष्टिकोण से 30 जुलाई और 31 जुलाई की तिथि जो है वो बेहद खास होने जा रही है बिहार की राजनीति में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।